हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग कुछ दिनों से एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और हमसे कहा गया था कि आप लोग एनसीईआरटी पर लेक्चर लीजिए और उसको एक बार समझाने का प्रयास कीजिए। तो हमने भी एनसीईआरटी पर लेक्चर लेना शुरू किया। कुछ दिन से हम लोग दो चार लेक्चर हो चुके हैं और हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं वर्तमान इस समय, ठीक है। तो आप लोग, हमने सिर्फ अपने प्रारंभिक लेक्चर में, पहले ही लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट जो है और सोचने समझने का किसी पुस्तक को क्षमता जो है उसका विकास करना है। किसी पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी एक बताती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें आप लोगों को लेकर आएँ, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता आज का लेक्चर जो है वो हड़प्पा सभ्यता पर आखिरी होगा और आप देखेंगे कि 3-4 दिन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, किस प्रकार से वहाँ पर व्यापार वाणिज्य कृषि पशुपालन चल रहे थे, ठीक है। तो हमने पाषाण काल से लेकर एकदम हड़प्पा सभ्यता तक पूरे एकदम क्रमिक विकास को, एक डेवलपमेंट को हमने इस प्रकार से देखा है कि जो एकदम आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग पुस्तक पढ़ते होंगे और जब पुस्तक पढ़ते होंगे तो वो चीज़ें जो हैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल में समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम लोगों को बात करना है हड़प्पा सभ्यता के अंत और खोज के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आखिरी लेक्चर पर और हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार से क्रमिक विकास और फिर उसके बाद किस प्रकार से उसका विनाश हुआ, अंत हुआ और किस प्रकार से चीज़ें विद्वानों ने इसमें लेकर चली थी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो प्राचीन सत्ता होगा, फिर सभ्यता का अंत होगा, फिर इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज पढ़ेंगे, 10वीं हेडिंग है, ठीक है। और फिर इसके बाद जाएंगे हम लोग 11वीं हेडिंग पर, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक, ठीक है। ये कक्षा 12 की पुस्तक है एनसीईआरटी की। और हमने सोचा है कि पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री पर बात कर लिया जाए, फिर उसके बाद भारत और समकालीन विश्व को लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले भारतीय इतिहास के बारे में बात किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग समकालीन विश्व के बारे में, कंटेम्पररी इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए पहली बात करते हैं कि किस प्रकार से सभ्यता का, प्राचीन सत्ता के बात की जा रही है, विद्वानों का क्या मानना है, ठीक है। और इसका जो सभ्यता, प्राचीन सत्ता है, उसका जो उपयोग किया गया, ठीक है, उसकी जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से लगाई जा रही हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं, अनुमान जो लगाए जा रहे हैं वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो आपकी अगली हेडिंग है प्राचीन सत्ता, ठीक है। आप एक बार सोच कर देखिए कि प्राचीन सत्ता का अर्थ क्या होगा, यानी कि जो पुरानी सत्ता चली आ रही है वो किस प्रकार से रही होगी, ठीक है। इसमें एक जो सब हेडिंग है इसकी, प्रसाद तथा शासक, ठीक है। यहाँ पर आप प्रसाद से क्या समझ रहे हैं ये आप लोग बताइए, प्रसाद तथा शासक, ठीक, ये आपकी सब हेडिंग है। तो इस तरह से आप सोचिए कि यहाँ पर प्रसाद का क्या अर्थ है, ठीक है। जो प्रसाद का यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर प्रसाद का अगर मान के चलिए, प्रसाद के बारे में हम लिखें, तो यहाँ पर जो इसका शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक है, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होगा राजा का महल, ठीक है, राजा का महल, या यहाँ पर पुरोहित भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, पुरोहित भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम धनी व्यापारी भी लिख सकते हैं, धनी व्यापारी, ठीक है, यहाँ पर हम धनाढ्य व्यक्ति भी लिख सकते हैं, धनाढ्य व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोच कर देखिए कि प्रसाद वहाँ पर क्या होते थे। प्रसाद का सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ पर जो प्रसाद है इसका एक प्रसाद का एक ही मतलब है कि यहाँ पर जो विशाल भवन है, ठीक है, विशाल भवन, इसी को प्रसाद बोला जाता है। अब देखेंगे कि मौर्य काल में जब मेगस्थनीज आया था, मेगस्थनीज था कि फिर मध्य काल के लगभग में इधर साइड, ठीक है, तो 34वीं-34वीं शताब्दी में एक
सारे यात्री आया था या शायद मौर्य काल में आया था, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसाद भवन को देखा था, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पाटलिपुत्र प्रसाद भवन है उसको देखकर इतना आश्चर्य हुआ उसे कि उसने कहा कि मैंने पहले अपने जीवन में ऐसा महल नहीं देखा था, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर साजो सज्जा के बारे में बात की जा रही थी। तो आप लोग इस तरह से समझिए कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ क्या हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो वही बात किया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वो प्रसाद किस प्रकार से रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है प्राचीन सत्ता के बारे में, आप ये चित्र देखिए, ये एक चित्र है, ये वाला चित्र देखिए, ये आपका एक पुरोहित राजा का चित्र माना गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी संशय, आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वानों का बहुत ही ज़्यादा मतभेद है, ठीक है। कुछ विद्वानों को कुछ मानना है, कुछ विद्वानों को कुछ मानना है, तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया सभ्यता के बारे में, तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, क्या ये पुरोहित राजा की तरह दिख रहा है। इसके देखिए माथे पर इस तरह से, जिसे माथे पर जो लगाया जाता है बंद लगाया जाता है मांटी का, जिसे, और हाथ भुजबंद देखिए यहाँ पर हाथ में लगा हुआ है एक इस तरह से। तो ये जो वस्त्र पहने हुए हैं, देखिए ये वस्त्र आप देखिए, ये एक खंडित मूर्ति, प्रस्तर की मूर्ति पाई गई है, पत्थर की मूर्ति पाई गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पुरोहित राजा इसको संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नगर भी देखने को मिले, नगर नियोजन लोगों का अच्छा था, व्यापार वाणिज्य अच्छा था, ठीक है, और वो शिल्प उद्योग भी कर रहे थे, उनका सुदूर देशों से बहुत ज़्यादा संपर्क भी था। और उस प्रकार से देखेंगे कि उन सभी चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा वर्ग रहा होगा कि जो उन पर नियंत्रण कर रहा होगा, ठीक है, या उनके लिए कोई नियम कानून बनाया होगा कि ये वाला जो इलाका है इन व्यापारियों का, ये इलाका उन व्यापारियों का है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो नियंत्रण करता था उसका हम लोग क्या नाम दे दिए, राजा के रूप में राम नाम दे दिए, शासक के रूप में नाम दे दिए। बसरते यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रही है विद्वानों को कि वो कई लोगों के साथ मिलकर कार्य करते थे या सबका एक ही साथ शासन चलता था। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिले हैं स्थल हैं, तो वहाँ पर अलग अलग शासकों का भी वर्ग रहा होगा, ठीक है, तो अलग अलग शासकों का भी वर्ग रहा होगा। और यहाँ पर प्रसाद कार से देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है उसके आसपास देखेंगे कि 16 प्रकार के कमरे मिले हैं, 8 एक ही लाइन में 8 है, फिर 4 जो है समांतर लाइनों में है एक एक करके, फिर उसके बाद पुरोहित भवन मिले हैं। तो उस प्रकार की चीज़ें जिस प्रकार से मिल रही थी, तो वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो भवन निर्माण हो उसको प्रसाद की संज्ञा दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो भवनों प्रसाद की संज्ञा दी गई है उसमें भव्य सामान नहीं है, बहुमूल्य सामान देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वो चीज़ें जो राजा के महल के लिए प्रयुक्त हो रहा था, और राजा का महल आप देखेंगे कि जो वर्तमान समय में वैदिक काल की बात की चीज़ें जो देखने को मिल रही थी राजा के महल में, उस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय की जो चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ पर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो स्थल प्राप्त किए गए हैं या फिर वहाँ से अगर कुछ स्थल पाए गए होंगे तो प्राचीन सभ्यता के वजह से वहाँ पर जो पतन हुआ, आक्रमणकारियों से हुआ, जलवायु परिवर्तन से हुआ, फिर उसके बाद बाढ़ आने के कारण हुआ, फिर आपसी कलह से हुआ, एक दूसरे के आक्रमण से हो गया, तो इस तरह से चीज़ें जो देखने को मिल रही थी, तो उनका मानना था तो क्या वो वस्तुएँ चुरा ली गई या अगर उसमें भव्य सामान रहे होंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें रही होंगी या उसको वहाँ से हटा लिया गया होगा, तो इस तरह से भी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी शायद, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ के देखिए कि जो प्राचीन सत्ता की बात की जा रही थी कि उस समय की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, भौतिक संसाधन हो गए, रहन सहन हो गए, और जिस तरह से महल घर देखने को मिल रहे थे। और हमने आपको बताया था कि पहले ही लेक्चर में कि वहाँ पर जो दुर्ग पाए गए वो दो प्रकार के दुर्ग पाए गए, एक ऊँचाई पर स्थित है, एक निचला शहर है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विद्वानों के द्वारा कि जो ऊंचाई पर लोग रह रहे थे वो निचले शहर पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ऊपर के रहने वाले लोगों को हम लोगों ने एक उच्च वर्ग के लोगों को मान लिया गया, जिसमें पुरोहित हो गए, व्यापारी हो गए, धनाढ्य व्यक्ति हो गए, और जो नियम कानून बनाने वाले रहे होंगे वो लोग हो गए, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हम लोग देखा। तो ये एक अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर चीज़ें देखी जा रही थी क्या वो वास्तव में उस तरह से थी,
ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार सोच कर देखिए कि प्राचीन सत्ता में वहाँ पर शासक वर्ग किस प्रकार से रहा होगा, ठीक है। क्या वहाँ पर शासक एक ही राजा होता था, कई राज्यों को मिलाकर कई स्थलों को मिलाकर एक ही राजा होता था, या हर स्थलों का अलग अलग राजा होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। और ऐसा ही एक इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही, इसकी समानता हम लोगों ने, विद्वानों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से किया है, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शासक वर्ग का जो तुलना किया गया है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से किया गया है और नील नदी की सभ्यता से किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सोच कर देखिए कि क्या वो चीज़ें वास्तव में वहाँ पर थीं, ठीक है। तो हम सिर्फ आप लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो आप लोग जिसे बात सोचेंगे आप लोग, तो वहाँ पर वो चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और पुस्तक पढ़ने का यही मतलब होता है, पुस्तक हमें ज्ञान देती है, ठीक है। पुस्तक हमें नौकरी नहीं देती है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, ठीक है। हमको सिर्फ वो ज्ञान देगी, नॉलेज देगी। तो आप लोग पुस्तकों से सिर्फ नॉलेज लेने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। पुस्तकों से जॉब लेने का प्रयत्न मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप कोई जनरल बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ज्ञान मिलेगा, और जो आपके कर्म हैं, जो आपके जो एक्शन है कर्म है, वही आप लोगों को निर्धारित करेंगे कि आप लोग किस दिशा में जाएंगे, ठीक है। तो आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने मेहनत करेंगे, उसी के अनुरूप आप लोगों को फल भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कर्म फल का सिद्धांत भगवद गीता का है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। रिलीजन जब हम पढ़ेंगे, धार्मिक पुस्तकों को बात करेंगे, हमने अपने बहुत से पिछले के जितने इतिहास के लेक्चरों में इन सारी चीज़ों पर बात किया है कि हम लोग जब सब्जेक्ट स्टार्ट प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोग विधिवत और विस्तारपूर्वक हर एक चीज़ को कनेक्ट करके एक दूसरे से देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सोचते रहिए, और यहाँ पर एक देखिए कि प्राचीन सत्ता किस प्रकार से वहाँ पर काबिज थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हम लोगों की अगली हेडिंग आ जाएगी, वो है आपका नौवीं हेडिंग है जो सभ्यता का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले हटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार सोच कर देखिए कि जो जिस प्रकार से वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से खोजें हो रही हैं, हो रही थी, और जिस प्रकार से उसका समय काल निर्धारण किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी देखने को मिली थी कि वहाँ पर विद्वानों ने उनके आँखें खुली की खुली रह गई जब उन लोगों ने देखा उस तरह की चीज़ें, तो ठीक है। तो उनका मानना था कि यहाँ पर एक विकसित हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अगली हेडिंग है आपका सभ्यता का अंत, ठीक है, सभ्यता का अंत, ठीक। हम सभ्यता का अंत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इसको इसका प्रयोग हम लोग जब बात करेंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच में जो चीज़ें घटित हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग इस तरह से समझ में आए, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है, हम यहाँ पर वैज्ञानिकों का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो फैक्ट के रूप में रहता है, तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। बाढ़ का आना, ठीक, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अब उस तरह से समझ लीजिएगा, बाढ़ का आना। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। तीसरी, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे पर आक्रमण, एक दूसरे पर आक्रमण, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। वैसे अगर हम बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा से इस तरह समझिएगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो गई, जैसे कि युग परिवर्तन माना जाता है कि भीम युग आ गया, फिर जो एक मेघालय युग के नाम से आया था वर्तमान समय में, अभी हाल ही की बात है, 2-4 साल हुए, तो उस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो क्या पता कि वहाँ पर एक ऐसा समय आया होगा कि वहाँ पर जो चीज़ें अचानक से समाप्त हो गई होंगी, ठीक है, अचानक से कुछ ही समय में समाप्त हो गई होंगी, तो इस तरह से चीज़ें, ठीक है। तो बाढ़ का आना, जलवायु परिवर्तन हो गया, फिर आपसी कलह एक बार लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे वैसे तो आप मान चले कि विद्वानों ने बहुत कम ही चीज़ें बताया है, ठीक है, तो वहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। तो हम सिर्फ आप लोगों को बता रहे हैं कि सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ होगा, ठीक है। आपसी कला हो गया, फिर वर्चस्व स्थापित करना, वर्चस्व स्थापित, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पलायन लिख लीजिए, पलायन कर जाना,
ठीक है, पलायन कर जाना, आग लग जाना, आग लग जाना। और एक चीज़ वैदिक काल में मिलता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक धार्मिक कारण के रूप में, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि धार्मिक कारण, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि पलायन कर जाना, वही मार्ग बदल लेना हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। कितने टॉपिक हो गए, 3, 2, 4, 6, 8, 10 बात चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम पुस्तक का सहारा लेंगे, ठीक है। अगर हम बाढ़ आने की बात करें, तो मान लीजिए कि ये सभ्यता जो है आपके नदियों के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है, नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि विद्वानों का मानना है कि भारत में जो जलवायु मौसम पाए जाते हैं, जलवायु प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, मानसूनी मौसम पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पर मानसून जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर उसका एक प्राकृतिक कारण होगा कि वहाँ पर बारिश हुई होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी और अचानक से बाढ़ आएंगे। तो अचानक से जो नदियों किनारे शहर थे वो लोग अपना अंत हो गया होगा, ठीक है। तो बाढ़ में वो लोग बह गए होंगे, या जो बच गए होंगे वहाँ पर, जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ से वो पलायन कर आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रहा विद्वानों को मानना है। और जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन यानी कि मान के चलिए कि इनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो मौसम 6 महीने में एक बार बदल रहा था वो 3 महीने में बदलने लगा, ठीक है। मान के चलिए कि हम लोग 6 ऋतु लेकर चलते हैं भारत में, इस समय कुल मिला के 12 महीने में 6 ऋतुएँ 2-2 महीने की होती हैं। और वैसे प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि 3 है, जाड़ा, गर्मी, बरसात है, ठीक है। जिसे ठंडी बोला जाता है, गर्मी बोला, ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है और वर्षा ऋतु बोला जाता है, ठीक है। तो इनका 4-4 महीने का ड्यूरेशन है, ठीक है, काल है। तो उसी तरह से वहाँ पर एक बार ये सोचिए कि जो 4 महीने का काल निर्धारण है जलवायु परिवर्तन में, हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, जो 4 महीने का वर्षा हो रहा है वो 4 महीने के बजाय 8 महीने वर्षा हो गई, ठीक है। तो 8 महीने वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गए, और बाढ़ आ गई तो वहाँ पर सभ्यता का अंत हो गया। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिला था। और मान के चलिए कि जलवायु परिवर्तन में मान के चलिए कि जो 4 महीने गर्मी पड़नी थी वो 6 महीने गर्मी पड़ी, और गर्मी पड़ने के कारण वहाँ पर जो ग्लेशियर थे, हिमालय पर्वत को उत्थान हो ही गया था, ग्लेशियर थे वो पिघले, वहाँ पर बाढ़ आ गई, ग्लेशियर से नदी का जलस्तर बढ़ा, वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इस वहाँ पर उस तरह से बाढ़ आई तो वहाँ पर सभ्यता विनाश हो गया। और जल ग्रीष्म ऋतु बढ़ने का कारण ये भी होता है कि वहाँ पर अगर हवा चल रही है तो पतझड़ जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर रगड़ खा के आग भी लगने की चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर आग भी लग जाता था जलवायु परिवर्तन से। अगर ठंडी की बात करें तो अगर ठंडी में मान चले कि जो 4 महीने ठंडी पड़ रही थी वो 6 महीने ठंडी पड़ने लगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर रहना, सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। उसका भी एक कारण हो गया जलवायु परिवर्तन का इस प्रकार से। और बाह्य आक्रमण से ये समझ लीजिए कि जो मैक्स मूलर महोदय हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से के बोगज गोई नामक स्थान से एशिया माइनर से वहाँ पर आप लोगों के एक अभिलेख मिला है बोगज गोई का। उसमें दिया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं, सिंधु घाटी के लोग हैं, वहाँ की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेल खाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मेल खाती थी तो वहाँ पर वो समझा गया कि वहाँ के लोग इस सभ्यता के खोज में आए होंगे और वहाँ पर अपने साजो सामान अस्त्र शस्त्र के साथ आए होंगे और यहाँ पर युद्ध किए होंगे, इनका गुलाम बनाया होगा। तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें कालांतर में हम लोगों को वैदिक काल के रूप में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से ये सोच कर देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। एक दूसरे का पर आक्रमण का मतलब ये समझ लीजिए कि जो वर्चस्व स्थापित करने वाली है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं, तो वर्चस्व स्थापित करने की बात कर रहे थे। तो जो वो चीज़ है कि एक कबीला जो है दूसरे कबीले पर आक्रमण कर दिया कि उनको अपने अधीन लाया जाए, ठीक है, उस पर शासक किया जाए। और प्राचीन सत्ता में अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि वहाँ पर शासक वर्गों की तुलना जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जा रही थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता आप देखिए कि उसका लोकेशन कहाँ है, इराक में दजला फरात नदियों के किनारे है, नदियों के मध्य में है, ठीक है, जिसको यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी कहा जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से सोच कर देखिए कि वहाँ से लोग यहाँ पर पलायन करके आए, तो वहाँ पर जो रह रहे थे तो वहाँ पे जो रहने का वर्चस्व देखने को मिल रहा था शासक वर्ग के रूप में, तो उन लोगों ने क्या कहा कि अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ के देखिए कि उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण किया होगा। और इस तरह से भी सोच कर देखिए कि जो मान लीजिए कि दो कबीले आपस में हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर आपसी कलह हो गया या व्यापार को लेकर हो गया या भूमि विवाद को लेकर हो गया या वहाँ पर रहन सहन को लेकर हो गया, तो इस प्रकार से भी वहाँ पर चीज़ें जो आक्रमण देखने को मिला है तो वहाँ पर एक हम सिर्फ एक अनुमान के रूप में बता रहे हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हुई होंगी तो सभ्यता का अंत हुआ होगा, ठीक है।
तो इस तरह से भी सभ्यता का अंत हुआ होगा कि एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया गया होगा कि वो कोई भी रीजन से लेकर या के वहाँ की जो संस्कृति जो पनप गई थी, बहुत सारी चीज संस्कृतियाँ थी उसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो उन लोगों के मध्य में भी जो आपसी मतभेद हुए होंगे उसकी वजह से भी एक दूसरे पर आक्रमण कर दिए होंगे। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में हमने आपको बताया बाढ़ का आना, फिर आग का लगना, ठीक है, और जो हिमयुग जो किसी जलवायु परिवर्तन के बारे में हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जलवायु प्राकृतिक आपदा में आ जाएंगे। अगर हम आपसी कलह की बात करें तो आप इस तरह से देखिए कि आपसी कलह मान लीजिए कि दो समुदाय है, एक समुदाय यहाँ पर हो गया, एक ही जगह पर दो समुदाय है, ठीक है, एक ही जगह पर दो समुदाय है, मान लीजिए कि हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोथल की बात करें, कोई भी ले लीजिए, रोपड़ ले लीजिए, ठीक है, रोपड़ आप लोगों का पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर दो समुदाय, सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए बता रहे हैं कि दो समुदाय है रोपड़ में, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से सॉरी एक दूसरे से किसी चीज़ पर आपसी मतभेद हो गया, तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो इसके संबंधी हैं, यहाँ पर इसके संबंधी हैं, जो ये संबंधी हैं एक ओर से और यहाँ पर इसके जो संबंधी, वो आपसी में एकजुट होकर एक दूसरे पर लड़ झगड़ते थे। और वर्तमान समय भी आप देखेंगे कि दो गुटे में लड़ाई होगी तो वही आपका आपसी कलह माना जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पलायन की अगर हम बात करें तो पलायन में अगर कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ रही है, कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो वहाँ पर पलायन होना अवश्यंभावी है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बाढ़ आ जाए कि जलवायु परिवर्तन हो जाए, फिर उसके बाद ठंडी ज़्यादा पड़ने लगे, फिर गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे, तो वहाँ पर जो लोग रहेंगे अगर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग पलायन करके कहीं और जाकर बसेंगे, ठीक है, और जहाँ से छोड़ेंगे वो लोग, वो जगह तो बंजर होगी ना, फिर वहाँ पर जगह छोड़ दिए तो खाली हो गया, तो वहाँ की जो चीज़ें होती थी वो कालांतर में वायु के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, फिर बाढ़ के द्वारा उसका धीरे धीरे क्षरण हो जाता था, ठीक, तो इस प्रकार से समझ कर देखिए। फिर अगर धार्मिक कारण की अगर हम बात करें तो धार्मिक कारण में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में ठीक है, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर की उपाधि दी गई। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का नाश करने वाला, दुर्गों का नाश करने वाला पुरंदर का अर्थ होता है, ठीक है, दुर्गों का नाश करने वाला, ठीक, इस तरह से आप लोग समझ कर देखिए, करने वाला, ठीक, तो इसलिए हम धार्मिक से इस तरह से जोड़ रहे हैं। अब माइथोलॉजी में है, अब सिर्फ इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ें हैं धार्मिक को हमको अलग से बताना चाहिए था, वो वैदिक काल में बताना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि जो इंद्र हैं वो दुर्गों का नाश करने वाला है, ठीक है, इंद्र को वर्षा के देवता के रूप में भी माना जाता है, बिजली वर्षा के देवता के रूप में माना जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो दुर्ग है वो आपके छिन्न भिन्न देखने को मिले थे, छिन्न भिन्न टूटे हुए फटे हुए आधे दुर्ग देखने को मिले थे, और इसीलिए माना जा रहा था, विद्वानों का मानना है कि धार्मिक चीज़ को लेकर उन लोगों ने एक मान्यता विकसित कर दी कि इंद्र ने वैदिक काल में आप देखेंगे कि इंद्र ने वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों का नाश किया, फिर वहाँ पर एक नई सभ्यता को विकसित किया जिसका वैदिक सभ्यता नाम दिया गया था, ठीक है, इस प्रकार का सोच कर देखिए। तो वहाँ पर जो इंद्र का कॉन्सेप्ट दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो दुर्गों के नाश करने के लिए दिया गया था, क्योंकि ये आप देखेंगे कि IRM व्हीलर है, मार्टिमर व्हीलर है, फिर उसके बाद एक अर्नेस्ट मैके हैं, ठीक, तो उन लोगों का मानना था कि इंद्र जो थे वो पुरंदर का शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो सिंधु घाटी में जो दुर्ग टूटे फटे हैं, जो आधे दुर्ग हैं, छिन्न भिन्न खंडित दुर्ग हैं, उनका जो खंडित किया जाना था वो इंद्र के द्वारा ही किया गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से मान्यता भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक। तो आइए एक बार पुस्तक का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों को हर एक चीज़ समझा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एक इस तरह से समझेंगे कि जो 1800 से 19वीं शताब्दी का है, हमने अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में 2600 से 1900 के मध्य की चीज़ें बताई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चित्र का भी ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें 1800 से 1900 के बीच में आप देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में 1800 से 1900 के बीच में जो नवीन स्थल खोजे गए थे, जिसमें धौलावीरा हो गया, फिर लोथल हो गया, बनावली हो गया, फिर रोपड़ हो गया,
फिर इसके बाद आप देखेंगे कि राखीगढ़ी हो गई, फिर दामाबाद हो गया, ठीक है, और आलमगीरपुर हो गया। तो ये आलमगीरपुर मेरठ में पता, उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो देखने को मिल रही थी, नई नए स्थल हो गए, और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जब स्थलों की जो चीज़ें थी, जो प्राक हड़प्पा स्थल थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये जो प्राक हड़प्पा स्थल है, जो निम्न हड़प्पा स्थल है, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है, वो आगे चले गए थे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। लेकिन जो नवीन स्थल खोजे गए थे भारत की आज़ादी के बाद की, तो वो भी स्थल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो चरमोत्कर्ष की चीज़ें हैं उसको दर्शाने में, ठीक है। और किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप मैप देख लीजिए, यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर देखिए कि ये जो चीज़ें हैं कि उत्तर के हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र उसका विकास किस प्रकार से था। यहाँ पर झुका झाका संस्कृति, ये आपका चंद्रदुड़ वाला क्षेत्र, चंद्रदुड़ वाला, ये सिंधु नदी है, ये स्वात नदी है, इसी को क्या बोला जाता है, स्वात नदी को, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्राचीन नदियों के बारे में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सावधान यज प्रकार के सावधान दिया गया है, फिर उत्तरवर्ती सिसवल है, यहाँ पर रंगपुर, यहाँ रंगपुर आप लोगों का गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए कि ये जो चीज़ें स्थल हैं, तो यहाँ पर जो नदियों के किनारे स्थल पाए, ये सारे देखिए आपके, ये वाला जो स्थल है, ये सारे जो हैं ये अरब सागर के तट पर है। तो आप सोचिए कि अरब सागर में जल की वृद्धि होगी तो वो कहाँ जाएगा, जल इधर ही तो बढ़ेगा। और ये देखिए ये सारी जो है ये पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सिंधु नदी के पंचनद यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। तो यही कारण माना जाता था कि बाढ़ का आना जो है सिंधु वाड़ी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख जो बाढ़ के अंत कारण अंत हुआ वो माना जाता है, कि सारी जो जो स्थल पाए गए थे प्रारंभिक स्थल वो सारे के सारे जो है नदियों के किनारे थे, ठीक है। तो ये एक आप देखिए कि ये तीन, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए, तीन स्टेटमेंट ये जो दिए गए हम इसको, चलिए अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है, पहले हम इस पर इस दो चीज़ों पर हम बात करें, फिर इस पर आते हैं, ठीक है। एक आक्रमण के साक्ष्य जो इन लोगों ने बताया गया है, यहीं पर आप लोगों का इंद्र का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ठीक है, एक ये पैराग्राफ है, एक ये हो गया, तीन, यहाँ पर तीन लोगों के स्टेटमेंट दिए गए, हम तीनों लोगों के स्टेटमेंट आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी और विद्वान वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसके विषय में बात करेंगे, एक आक्रमण के साक्ष्य, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट का आप लोग नाम लिख लीजिए, किसका किसका है। एक सर जॉन मार्शल का है, जॉन मार्शल, तीनों लोगों का नाम आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको बताते हैं। इसका जो जॉन मार्शल का है, ठीक है, मोहनजोदड़ो एट, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यही हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दिया है एक जो है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम लोग नो डाउन करते चलिए, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। और ये कब का है इंडस सिविलाइजेशन, ये जो है ये सर जॉन मार्शल का है, ये आपका 1931 का है, ठीक है, 1931 का है, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा किसका है, दूसरा आपका है आर आई एम व्हीलर का है, यानी कि मर्टिमर व्हीलर, हम यहाँ पर लिख दें मर्टिमर, चलिए हम व्हीलर सिर्फ लिख रहे हैं, पूरा उनका नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर जो नाम है एक ही लोगों के, अरे दो लोगों के एक ही नाम हो जाते हैं, तो वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आर ई एम व्हीलर, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट ये इनका जो दिया गया है, ये आर ई एम व्हीलर का है जो है स्टेटमेंट, ये है आपका हड़प्पा, जो ये है आपका हड़प्पा 1946, ठीक है, हड़प्पा 1946, ठीक है। ये 1944 के लगभग में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एम व्हीलर है हड़प्पा सभ्यता के, अरे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक वहाँ पर जो क्या अध्यक्ष थे, ठीक है, आर ई एम व्हीलर 1944 में बने थे। और इनके जो चीज़ें हैं एंशियंट इंडिया, ठीक है, हड़प्पा 1946 में ये थे की बात है, हड़प्पा 1946 में उद्गृत हुआ था
और जो इनकी पुस्तक है एंशिएंट 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 इंडिया इंडिया जर्नल जर्नल 1947, ठीक है, 1947 से उद्घृत किया गया था। तीसरा है, एक है जे एफ डेल्स, ठीक है, जॉर्ज एफ डेल्स जिनका नाम पाला जाता है, जी एफ एफ डेल्स, ठीक, एक इनका गलत उद्धृत ले लीजिए। ये है आपका द मिथिकल मैसेकर, द मिथिकल मिथिकल मैसेकर, ठीक है। ये विद्वानों का आप इस तरह से लिखे रहेंगे, स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, तो ये आप लोगों का आंसर राइटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पर अगर इनका स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, एक दो लाइन लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा समझने का कोशिश करेगा, ठीक है। मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ठीक, क्योंकि विद्वानों का नाम लिखा जाना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, कोटेशन देना चाहिए, एट मोहनजोदड़ो मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो। फिर एक्सपीडिशन 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 1964, ठीक है, ये 1964 का है, ठीक है। आई जॉर्ज एफ डेल्स, इनका पूरा नाम है जॉर्ज एफ डेल्स, ठीक है। तो इन तीन उद्गृतों का जो स्टेटमेंट है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक कम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जो एक आक्रमणकारी के आक्रमण के साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको आप हम लोग देखते हैं। ये पहला वाला स्टेटमेंट है जो इसको देखते हैं, ये आपका किसका है, सर जॉन मार्शल का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट सर जॉन मार्शल बताने का प्रयास किया कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा में आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में, ठीक है, वहाँ पर एक डेड लेन, एक सकरी गली टाइप का देखने को मिला था, ठीक है। तो जो वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिला है, वहाँ पर एक सकरी गली है और वहाँ पर कुछ अस्थियों के अवशेष मिले हैं, वहाँ पर सर के अवशेष मिले हैं, और वहाँ पर जो एक अस्थि इस प्रकार से मिली है, किसी का पैर अलग है, किसी का हाथ अलग है, और जो धड़ है वो एक पेट के बल लेटा हुआ है, चित उस तरह से लेटा हुआ है, पलटी मार कर लेटा हुआ है। और फिर वहाँ से आप देखेंगे कि इस तरह से कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो आक्रमण के साक्ष्य के बाहरी आक्रमण आए थे और वहाँ पर लोगों को मारे, काटे, हाथ पैर तोड़े, काटे, गला काटा, फिर सर की, क्योंकि वहाँ पर जो खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, जो बॉडी पार्ट मिले हैं, शरीर के अवशेष मिले हैं, उसके आधार पर लगाया जा रहा था कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वहाँ पर आक्रमण के साक्ष्य देखने को मिल रहे थे। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गली है वो 3 से 6 फीट, 3 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है उसकी, ठीक है। तो और वहाँ पर देखेंगे कि वो जो गली है 4 से 2 फीट की गहराई में अवस्थित है, और वहाँ पर एक खोप जो एक सर का खोपड़ी का जो मिला है, हड्डी मिला है, फिर हाथ की हड्डी मिले हैं, पैर की हड्डी मिले हैं, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिला था। और वो काफ़ी थोड़ी थोड़ी दूरी पर 15 इंच पे, 10 इंच पे, 1 फीट पे, 12 इंच पे, इस तरह से देखने को मिला था, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट के अंतराल पर देखने को मिला था। तो इसके आधार पर सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि वहाँ पर जो है आक्रमण के साक्ष्य भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से आप लोग देखिए, पहला स्टेटमेंट इस प्रकार से कर रहा है। और डेड मैन लेन का एक इस कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो सकरी गली मिली थी वहाँ पर, उसको सर जॉन मार्शल ने उसको डेड लेन, डेड मैन लेन बोला था, ठीक है। ये आपका सर जॉन मार्शल का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपका मर्टिमर व्हीलर का है, आर ई एम व्हीलर का है, ठीक है, REM व्हीलर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नाम याद रखिएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये एक आक्रमण के साक्ष्य देने के बात कर रहा है। तो व्हीलर का मानना था कि जो ऋग्वेद में पूर शब्द है, कौन सा शब्द है, पूर, ठीक है, पुरंदर, ठीक, ये पुरंदर यहाँ पर जुड़ गया था, पुरंदर हो गया था। तो जो पुर है वो दुर्ग के लिए प्रयोग किया गया था। तो जो दुर्ग बड़े बड़े पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में, वो दुर्ग अब कहाँ है, वो खंडित दुर्ग कहाँ है, खंडित हो गए, टूट गए,
वो किसी नदी का पर्दन केंद्रीय द्वारा वहाँ पर, वो उन्होंने नहीं माना था कि प्राकृतिक आपदा का वहाँ पर पर्दन हुआ था। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो वहाँ पर दुर्ग थे वो टूटे फटे हैं, आधे मिले हैं, वहाँ पर खंडित दुर्ग मिले हैं। तो उनका जो खंडित किया गया तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि जो वहाँ के सभ्यता के लोग हैं उन लोगों ने अपने जो देवता हैं उनको नाराज़ किया होगा, और इसीलिए इंद्र ने उनके दुर्गों को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऋग्वेद में पूर शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपके दुर्गों के लिए किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि पुरंदर शब्द जो है दुर्गों को नाश करने वाला जो इंद्र है उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के दुर्गों को नाश किया था। ठीक है, तो इनका मानना है, व्हीलर का मानना है कि वो दुर्ग अब कहाँ है, तो वो दुर्ग नहीं है, यानी कि उनको छिन्न भिन्न किया गया, वहाँ के लोगों को पनिशमेंट दिया गया, यहाँ मान चले कि वहाँ पर के लोगों को सजा दी गई थी उस प्रकार से चीज़ें, और वहाँ पर वो लोग इस प्रकार से सभ्यता का नष्ट हुआ था। और ये इस बात का द्योतक है कि मार्टिमर व्हीलर और सर जॉन मार्शल का जो स्टेटमेंट है वो एक प्रकार का वहाँ पर एक विद्रोह का आक्रमण की चीज़ें देखने को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्वानों ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये 1960 के दशक का है, जॉर्ज एफ डेल्स का है। ठीक है, तो जॉर्ज एफ डेल्स ने इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया और उसको निष्कर्ष निकाला कि जो पुराने जो स्टेटमेंट हैं जैसे सर जॉन मार्शल के हो गए, फिर जो दुर्ग ये आपके कौन है व्हीलर को गए, मार्शल और व्हीलर के बातों को खंडित करते हुए इन्होंने जॉर्ज एफ डेल्स ने कहा कि वो उतने पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जो आक्रमण के देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इनका मानना है कि वहाँ पर जो मनुष्य के हड्डियों के अवशेष मिले हैं वो थोड़े ही मात्रा मिले हैं, एक ही, दो है, तीन है। तो इस प्रकार से अगर युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जन धन माल की हानियाँ होती हैं, उस तरह के साक्ष्य देखने को नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर। नहीं, इस प्रकार से भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो एक ही जगह पर बहुत सारी हड्डियाँ मिल गई हों, ये भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। और उन्होंने पुरंदर को जिस तरह से व्हीलर को खंडित करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि व्हीलर ने की जो बात है, वो जो दुर्गों को खंडित करने की बातें हैं वहाँ पर, वो भी चीज़ उस बड़े पैमाने पर नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि बहुत दुर्ग जो हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं उस तरह से हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएँ उनके कारण दुर्गों का जो क्षरण हुआ, अपक्षय हुआ, पर्दन हुआ, उस तरह से देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने देखेंगे कि जो जॉर्ज ऑफ डेल्स है इन्होंने इन दोनों बातों को स्टेटमेंट को खंडित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के तीन स्टेटमेंट हो गए, और आप लोग इसको इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आप लोगों को इसको सिनेरियो के रूप में एक बार समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, आप इस तरह समझिए कि एनसीईआरटी ने पहले आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, हर एक चीज़ बता दिया एनसीईआरटी ने, फिर उसके बाद आखिरी चैप्टर जो है इसका हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से एनसीईआरटी आप लोगों को पहले एक डेवलप करती है दिमाग में कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हो रही थी, कहाँ से हो रहा था, क्या चीज़ें विद्वानों ने कहा, वहाँ पर किस प्रकार के जो रहन सहन है, खान पान है, जो सभ्यता संस्कृति वो किस प्रकार से विकसित हुई थी। इस प्रकार से आप एक बार सोच कर देखिए कि आपके दिमाग में एक डेवलपमेंट हो गया होगा कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल से लेकर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तक आ गए हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों के क्रमिक विकास के रूप में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने तीन स्टेटमेंट का बात किया था, और तीनों स्टेटमेंट का समझने का प्रयास किया कि सर जॉन मार्शल ने वहाँ आक्रमण के साक्ष्य देने का प्रयास किया, और जो मार्टिमर व्हीलर ने भी वहाँ पर आक्रमण के साक्ष्य देने का, और उसी आक्रमण के साक्ष्य को जॉर्ज एफ डेल्स ने 1960 में के दशक में वहाँ पर खंडित करने का प्रयास किया है। ठीक है, और इसका एक कारण भी है कि वहाँ पर इन लोगों ने आक्रमण के साक्ष्य क्यों देने का प्रयास किया है, हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप देखिए कि जो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा है, जो आधुनिक इतिहास में, जो आधुनिक और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो भारत में इतिहास की चीज़ें देखने को मिले और प्राचीन काल से आधुनिक भारत के इतिहास लिखने का जो परंपरा देखने को मिल रहा था वो आपके आधुनिक काल में ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आधुनिक काल से प्रारंभ है, तो इस प्रकार से देखिए कि जो आधुनिक काल में भारत के इतिहास लिखे गए, जो पहला पुस्तक लिखा गया, पहली पुस्तक भारत के इतिहास लिखा गया वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया था। और मैक्स मूलर महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि जो वहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोप से संबंध न करके थोड़ा सा नीचे लाकर कजाकिस्तान में बसा दिया था, मध्य एशिया में वहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने वहाँ के जो मनके हैं, जो बर्तने हैं, फिर वहाँ के जो देवताओं के नाम हैं, और वहाँ से एक बार और समझ के देखिए कि जो ईरान की पुस्तक है जिंदव्यस्ता, ठीक है, और ईरान कहाँ, इराक के बगल में ही तो ईरान है, तो जाहिर सी बात है कि उनका मानना था कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे वो ईरानियों के भी संपर्क में थे।
ठीक है, ईरानियों के संपर्क में भी थे, तो वहाँ पर जिंद अवस्था और जो बोगज गई एशिया माइनर का विलेख है और सिंधु घाटी सभ्यता का है जो चीज़ें देखने को मिले, तीनों को उन लोगों उन्होंने वहाँ पर मैच कराने का प्रयास किया। यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा मैप दिख रहा था, हम लोगों को बता दे रहे हैं कहाँ पर, ठीक है, ये वाला मैप आप देख रहे हैं। तो उन्होंने तीन जगह की चीज़ों को मिलाने का प्रयास किया, समिश्रण करने का प्रयास किया, और उनका मानना था कि जो भारत की वस्तु चीज़ें देखने को मिली थी उसको अगर हम कहीं पश्चिमी देश से अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ की सभ्यता जो है वो पश्चिम की सभ्यता मानी जाने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन लोगों ने प्रयास किया इसको जोड़ने का वहाँ से। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप देखिए कि यहाँ पर व्यापार के जो व्यापार वाणिज्य है वो इस चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है, कि उन लोगों का मानना था कि इसलिए वहाँ पर व्यापार वाणिज्य है तो उनको एक मिश्रित करने का प्रयास किया था। यह देखिए यह भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर आप इस प्रकार से अगर पहले मैप में अगर हम देख लें, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एक ब्लैंक मैप लेकर आएंगे तो आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर एक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ही आप देखिए कि यहाँ पर आप मिस्र की सभ्यता है, यहाँ पर आप मान चलिए कि ये मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, यहाँ पर आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता दिखने को मिल रही है, ये इराक ईरान वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को मिला, और यहीं पर तो है आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है, यहीं पर बेगोज गई का अभिलेख मिला है। तो आप सोचिए कि यहाँ से इसको जोड़ने का, यहाँ से इसको जोड़ने का, यहाँ से इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा था, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए जो वहाँ पर जो प्रारंभिक भारत के इतिहास की पुस्तकें लिखी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, उन लोगों ने उस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास किया, वहाँ पर एक सम्मिलित करने का प्रयास किया कि जो प्राचीन सभ्यता भारत में विकसित हुई वो हम ही लोगों की देन है कि वहाँ पर विकसित हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो उन लोगों ने अपने आप को साबित करने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो भारत के पुराने भी चीज़ें हैं वो हम ही लोगों की देन है, क्योंकि वहाँ पर भारत उपनिवेश बन गया था ब्रिटेन का, और यही रीज़न है कि जो भारतीय इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीय इतिहास के बहुत जो सारी चीज़ें मिले वो यहीं से मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सोच कर देखिए कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, ठीक, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होंगी, या किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई हैं वो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा, आ रहा होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज। हम आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई थी। ठीक है, आप लोग इसको एक मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से की गई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सब हेडिंग है, यहाँ पर हम सब हेडिंग पहले ही सारी हर सब हेडिंगें लिख दे रहे हैं, कनिंघम का भ्रम। ठीक है, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम, यहाँ पर जो एनसीईआरटी की हेडिंग है, हम एनसीईआरटी की हेडिंग बस लिख रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को हेडिंग की भी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, कनिंघम का भ्रम, ठीक, एक हेडिंग ये है। फिर इसके बाद देखिए कनिंघम का भ्रम जो है, इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है, सब हेडिंग हम आपको बता रहे हैं, सब हेडिंग में दूसरी हेडिंग जो है आपकी, वहाँ पर एक नवीन प्राचीन सभ्यता। ठीक है, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ठीक, दूसरी हेडिंग हो गई है आपकी, दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग जो है आपकी यहाँ पर है, नई तकनीकें तथा प्रश्न। ठीक है, नई तकनीकें तथा प्रश्न, ठीक है, तो ये हो गई एक हेडिंग, और इसके बाद ये आखिरी हेडिंग है। इसके बाद आप लोगों का एक हेडिंग और बचेगा, वो आपके जो प्रॉपर हेडिंग है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सभ्यता का अंत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो ये तीन सब हेडिंग आप लोग लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज में, और इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर कनिंघम के भ्रम के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, पहले वहाँ पर जो नष्ट हुई चीज़ें हैं उनसे अनुमान लगाया गया, जो वहाँ पर जो पूरा स्थल पाए गए, वहाँ पर जो मनके पाए गए, वहाँ पर जो अवशेष पाए गए, उससे अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया गया कि ये किस प्रकार से कितनी पुरानी सभ्यता हो सकती थी। ठीक है, तो उसी के आधार पर देखेंगे कि जो सर्वमान्य चीज़ें देखने को मिली, कार्बन डेटिंग C14 है, कार्बन डेटिंग, उसको C14 बोला जाता है, C14
फूडिंग, ये कार्बन के समस्थानिक हैं, ठीक है। तो कार्बन के समस्थानिक 3, 12, 14, 16 करके या 18 करके इस तरह से, ठीक है। तो C14 जो है ये आयु गणना करने वाली है, तो इसके आधार पर पता लगाया गया। तो वहाँ पर जो इसका जो आधार माना गया था, ये जो सर्वमान्य यही माना जाता है, तो ये कौन सा माना गया था, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर माने गए थे। लेकिन NCERT क्या मानती है, ये 2600 ईसा पूर्व से ये आपका 1900 ईसा पूर्व मानती है। अगर हम इस तरह से चीज़ें देखने को मिले, ये आपका C14 है, ये आपका NCERT मानती है इस प्रकार से। और इसका मानने का उद्देश्य आप जानते हैं क्या है, कि NCERT का जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व की मानी जाती है वस्तुएं, तो उसमें इस तरह प्रकार के इस आधार पर माना गया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता उसके समकालीन थी, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया था वो 3000 वर्ष ईसा पूर्व का माना गया था। तो इसी आधार पर यहाँ पर NCERT में भी माना गया, विद्वानों का भी माना गया था कि जब इसकी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहाँ पर आप लोग जिस उस प्रकार से अगर 3000 साल मेसोपोटामिया का मान रहे हैं, तो इसको भी तो 2500 ईसा पूर्व के माना जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये समकालीन है उसकी। अब मान चले कि मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो काफ़ी पहले की है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन है, वहाँ पर व्यापार देखने को मिल रहा है, वाणिज्य देखने को मिला है, संस्कृति आदान प्रदान देखने को मिल रहा है, आयात निर्यात देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी उसके समकालीन होगी। तो 100-200 साल का अंतर आप लोग ले लीजिए, तो यहाँ पर इसको भी 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें बात चल रही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कनिंघम के भ्रम का, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक भी माने जाते हैं, और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके जो पहले अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं, वो भी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। और कनिंघम के बारे में अगर हम बात करें, तो कनिंघम आप ब्रिटिश जो अधिकारी थे, रेजिमेंट के अधिकारी थे, रेजिमेंट नहीं कह सकते, वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी थे इन्होंने। तो यहाँ इन्होंने जो भारत में जो इसके बारे में पता लगाया था, मान के चलिए कि पूरा स्थलों के बारे में पता लगाया था पहली बार, तो यहाँ पर जो स्थलों का पता लग रहा था, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक जो एक चौथाई दशक 25 साल का जो है, 1800 से लेकर 1830 साल तक हम मान लें, ठीक है। तो 1800 से लेकर इसको हम 1830 मान लेते हैं, ठीक है। तो 1800 से लेकर 1830 के मध्य मान लेते हैं, तो उस समय देखेंगे कि अंग्रेज जो हैं वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, ठीक है। जब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे 1800 से लेकर 1830 के बीच में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल बनकर आया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और वहाँ पर जिस प्रकार से व्यापार की चीज़ें देखने को मिले थे, तो वहाँ पर जो पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र, वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी कि जो पूरा स्थलों के रूप में देखने को मिली थी। और यही काल आकर आप देखेंगे कि अंत में 1850 से लेकर, अगर हम इसको 1870 मान लेते हैं, अगर 1875 भी हम मान लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। तो 1850 से लेकर 1875 अगर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है, 1833 का दिन हो गया था। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपके एक जगह पर देखने को मिल रही थी, तो वो पूरे भारत में देखने को मिले थे। और इस समय तक आप देखेंगे कि पूरा एकदम पश्चिमी भारत भी इन लोगों के कब्जे में था। तो यहाँ पर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1853 में, तो वहाँ पर जॉन ब्रंटन भाई हैं, तो उनको कुछ अवशेष मिले थे, तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। 1853 के लगभग में वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, 1854-55 के लगभग में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पर उस तरह के सिंध के क्षेत्र से वहाँ पर कुछ अवशेष मिले थे, तो उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। तो पहली जो अवशेष मिले थे वहीं पर आपके देखने के मिल रहे थे, ठीक है, 1853-55 के लगभग। उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो है आपका लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन है, जॉन ब्रंटन भाई हैं, दो भाई हैं, विलियम ब्रंटन है, जॉन ब्रंटन है, ठीक। तो आप देखेंगे कि कालांतर में 1870 के दशक में भारत में अब वहाँ पर एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन होता है, वहाँ पर पहले जो अध्यक्ष बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी शुरुआत में आप देखेंगे कि जो उनको पुरास्थल मिले थे, उन्होंने उस चीज़ को वैदिक काल से जोड़ने का प्रयत्न किया है,
ठीक है। और वैदिक काल से जोड़ने का मतलब यही है कि आप मान चलिए कि वहाँ पर जो आक्रमण के साक्ष्य देखने को मिल रहे थे और वैदिक काल के जो चीज़ें हैं वो आपके सिंधु वहाँ से देखने को मिल रहे थे, बोगज गई एशिया माइनर से देखने को मिले थे, ईरानी पुस्तक जिन दवेशा से देखने को मिले थे। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो पूरा स्थल के साक्ष्य मिले थे उनको वहाँ पर उन्होंने आपके वैदिक काल से जोड़ने का प्रयत्न किया था, और यही कारण है आप देखेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ें असफल हो गई थी। और ये देखिए एक मुहर का चित्र है, जैसे हड़प्पाई मुहर है, ये जो मुहर है आपको कनिंघम को बहुत ही ज़्यादा पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। अब मान चलिए कि बहुत ही ज़्यादा पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के पास यह मुहर आ गई थी, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली मुहर का बनाया गया रेखाचित्र है। तो ये हड़प्पा जो हड़प्पा सभ्यता है, मान के चलिए कि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, तो वहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसके आधार पर जब खनन कार्य हो रहे थे, वहाँ पर जो खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अवशेष के रूप मिले, तो ये मुहर भी वहाँ पर मिल गई। और ये मुहर को ले जाकर उसमें पुरातत्व संरक्षण विभाग के जो अध्यक्ष हैं वह पर अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो अलेक्जेंडर के पास भी गया था ये। तो इन्होंने अलेक्जेंडर ने इस मुहर को भी देखेंगे कि वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मुहर देखने को मिली थी। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो ये पशु का चित्रांकन किया गया है और यहाँ पर मछली का जो चित्रांकन किया गया, ये मछली की तरह दिख रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाते थे, ठीक है। तो इन्होंने एक असफल प्रयास किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने कि उसको वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समझ के देखिएगा, और इसको जो पैराग्राफ आप करें पढ़ेंगे कनिंघम का, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कनिंघम ने किस प्रकार से प्रयास किया, वो असफल रहा। और कालांतर में देखिए कि 1921 में रखालदास बनर्जी जो है, ठीक है, सॉरी रखालदास बनर्जी कह रहे हैं कि अभी हमने पिछले लेक्चर बताया था कि दयाराम राय बहादुर साहनी, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोज की, हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। और कालांतर में देखेंगे कि जब सर जॉन मार्शल यहाँ पर भारत के पुरातत्व संरक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, तो उनके निर्देशन में जो सिंध प्रांत में खुदाई हो रही थी, हड़प्पा जल नामक जगह पर खुदाई हो रही थी, तो उसमें राय बहादुर दयाराम साहनी वहाँ के जो क्या बोलते हैं उसके अध्यक्ष थे वहाँ उस खुदाई के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कि उसकी इनके निर्देशन में वहाँ पर खुदाई हुई थी, तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक स्थल ही मिल गया था। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जिस चीज़ को वहाँ पर वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास किया, वही 1921 में भारतीयों के द्वारा एक ऐसी सभ्यता की खोज की गई जो एक बहुत ही प्राचीन काल की सभ्यता देखने को मिली और एक भारत की एक धरोहर के रूप में वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि वहाँ पर एक नवीन प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें, तो 1921 ईस्वी में जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो देखेंगे कि वहाँ से पूरा का पूरा शहर ही मिल गया था। फिर 1922 ईस्वी में आप देखेंगे कि रखालदास बनर्जी के द्वारा वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली थी कि मोहनजोदड़ो को देखने को मिला था, और मोहनजोदड़ो से इतनी सारी चीज़ें मिल गई कि एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष ही पूरा वहाँ पर मिल गए थे। और जो 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो गई, तो 1924 ईस्वी में आप देखेंगे कि सर जॉन मार्शल ने इसका घोषणा कर दिया, इसकी इस बात की घोषणा कर दी कि भारत में एक पुरानी प्राचीन सभ्यता विकसित थी और बड़े पैमाने पर विकसित थी, तो ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो स्थल देखने को मिल रहे थे और जिस तरह से खुदाई का कार्य किया जा रहा, उत्खनन कार्य करवाए जा रहे थे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता और जो हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो स्थल है, इन दोनों की खुदाई जो है, उत्खनन कार्य बहुत काफ़ी वर्षों तक चला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अलेक्जेंडर जो सर जॉन मार्शल है, उन्होंने इस प्रकार से 1924 में यह घोषणा किया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, और एक नवीन सभ्यता के रूप में देखने को मिला था। फिर एक एस एन राव की स्टोरी है, ठीक है, एस एन राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में इन्होंने लिखा है, एस एन राव, ठीक है, एस एन राव है, ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ने के बारे में इन्होंने कहा है कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पूरा स्थल में मिली मुहरों जैसी पर
पर तब तक पहचानी ना जा सकें मोहरें मिली थी। ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब यह था कि जो हम लोगों को पुराने काल में, प्राचीन काल में मान के चले कि जो मुहर प्राप्त हुई थी प्राचीन काल की अलेक्जेंडर के काल में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको वैदिक काल से जोड़ने का प्रयास किया और वो मुहर भी आपका सर जॉन मार्शल के रूप में देखने, सर जॉन मार्शल के भी नेतृत्व में देखने को मिला था। तो इनका कहने का मतलब है एस एन राव की कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कि सर जॉन मार्शल ने उसको पहले न बताकर वहाँ पर 3000 वर्ष पीछे छोड़ा था। ठीक है, पूरा जो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता से जो मुहरें मिली थी उनको जो मेल कराना था, सम्मिलित कराना था, जो आर्कियोलॉजी के विभाग से उसको अध्ययन करना था, उस पर अगर अध्ययन पहले ही किया जाता तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो बहुत ही पहले चीज़ें देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से एस एन राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में अपनी बातें कही थी और कहा कि इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो इनका मानना था कि जो सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन है, मेसोपोटामिया को 3000 वर्ष पहले की सभ्यता मान रहे हैं, तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता को भी वहाँ से माननी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आप देखिए कि एक जब राय बहादुर दयाराम सहनी रखालदास बनर्जी ने दो बड़े स्थलों की खोज की तो उस बड़े स्थलों ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा शहर ही दे दिया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। ठीक है, और वो दोनों स्थल जो हैं आपके सिंधु घाटी नदी के किनारे पाए गए हैं और इसीलिए उनको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो पहली बार हड़प्पा सभ्यता का ये नाम दिया गया। और इस पैराग्राफ को देखिए, ठीक है, इसको देखिए, ये आपका एक दुर्ग टीले के रूप में है, पूरा स्थल टीले का स्थल है। यहाँ पर एक बार पूरे स्थल के टीले का ये पैराग्राफ जो है, ये वाला बॉक्स जो है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता की खोज कर ली गई थी इस प्रकार से। ठीक, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाए गए थे। ठीक, इस तरह से उत्खनन कार्यों के द्वारा एक भारत में नवीन प्राचीन सभ्यता का उद्भव देखने को मिला था और उन्होंने अंग्रेज़ों ने वहाँ पर उसको 3000 पीछे वर्ष छोड़ा और वहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर किया उसको पहले नकारने का प्रयास किया, इसको खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हीं के जो विद्वान हैं उन्हीं के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि नहीं, ये ऐसी चीज बात नहीं है और ये जो चीज़ें भारत में हो रही थी। ठीक है, इस प्रकार से चलिए इसको एक बार समझने का बात करते हैं। पूरा स्थल टीले स्थल, यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि जो पुरातात्विक पुरास्थल और संरचनाओं का निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते थे। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति कहीं पर, कोई समुदाय रह रहा है, वहाँ पर रहते रहते वहाँ पर छोड़कर चले गए, तो वहाँ पर जो अपर्दन की क्रियाएँ की जा रही थी, भूमि का उपयोग किया जा रहा था, वहाँ पर एक टीले का निर्माण हो जाता था और वो टीले जो है वो इस प्रकार से बढ़ता था, यानी कि हम पहले यहाँ से रहना प्रारंभ किए और कालांतर में जाकर यहाँ पर रहने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से टीलों का निर्माण किया जा रहा था। तो वहाँ पर जो रहते थे फिर वहाँ से रहकर चले जाते थे, तो जो पीछे की चीज़ें हैं वो पूरा स्थलों में गिनी जाने लगी और जो आगे की चीज़ें हैं वो नवीन स्थलों में गिनी जाने लगी। लेकिन जो उनके द्वारा क्रिया की गई उसको पूरा स्थल टीले के रूप में देखा जाता था, क्योंकि टीले का जो विन्यास है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यानी कि पहले आप कहीं पर रह रहे हैं तो कहीं पर अपर्दन क्रिया कर रहे हैं, कोई पर कृषि क्रिया कर रहे हैं, कहीं पर घर बना रहे हैं। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि घर जो बनते हैं वो आप लोगों को सड़क से कुछ ऊंचाई पर बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि वहाँ पर भी इस प्रकार का अनुमान लगाए गए थे कि जो लोग नीचे रह रहे होंगे वो कहीं ना कहीं अपने आवास को ऊपर बनाते हुए कि बाढ़ से मिल जाए, निजात मिल जाए बाढ़ से सुरक्षा पाने के लिए, फिर उसके बाद नालियों के पानियों से सुरक्षा पाने के लिए वो लोग ऊपर की तरफ उठे और जब ऊपर की तरफ उठे तो अपने सुविधा अनुसार सड़कों का निर्माण किया, रोडों का निर्माण किया और आप देखेंगे कि सड़क जो है वहाँ पर समकोणों पर काटती। ठीक है, तो मैंने नगर नियोजन के बारे में बात किया, सड़क समकोण पर काटती थी और जो प्रत्येक सड़क है एक दूसरे से कनेक्ट थी और सड़कों के किनारे एक अच्छी जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, वो नालियाँ भी जो हैं जल निकास प्रणाली एक दूसरे से कनेक्ट करती थी समकोण पर। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिला था और जो लोग नीचे से होकर ऊपर चले जाते थे यहाँ पर टीले पर बस जाते थे और जो नीचे की चीज़ें थी उसको बंजर भूमि का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें इस वाले पैराग्राफ में देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं नई तकनीकें तथा प्रश्न।
ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप देखेंगे कि 1944 के दशक में, आप देख 40 के दशक में मान लीजिए, जब मार्टिमर व्हीलर जो है वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक बने, अरे अध्यक्ष बने, हम जनक करें जनक तो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो जब 1940 के दशक में मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से व्याख्या किया। पहले हम व्हीलर के हड़प्पा व्यवस्था का इसका हम व्याख्या आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि तब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। ये आप मार्टिमर व्हीलर का एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए, REM व्हीलर माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ये इस तरह से उद्गृत किया गया, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार ये, क्योंकि ये जो उद्गृत है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मार्टिमर व्हीलर जो है व्हीलर है वो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि व्हीलर जो है उस सभ्यता के देखे तो किस प्रकार से उनका रिएक्शन था, ठीक है। तो चलिए हम इसके इनके एक जो ये लाइन है इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात, ठीक है, यानी कि गर्मी के मौसम में वहाँ पर गए थे, और अंग्रेज़ जो हैं वो गर्मी में वहाँ पर वो गर्मी को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है आपका उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नव नियुक्त जनरल डॉक्टर डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी, ठीक है, यहाँ पर जो अधिकारी है वो मुस्लिम है, मुस्लिम अधिकारी के साथ यहाँ पर एक पूरा एकदम इन्होंने हर एक चीज़ का थोड़े जो एकदम हर एक स्टेट का स्टेट लाइन जो मान चले कि स्टेटमेंट का एकदम अच्छे से प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर एक किस प्रकार से कि उन्होंने जिसके साथ काम किया उसका उनका भी नाम लिखा है, वो किस धर्म से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर देखिए कि इन्होंने धर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू, ठीक, गहरे बालू के रास्ते पर चार मील की टांगे की सवारी कर में प्राचीन स्थल के टीलों जो चाँद की रोशनी में आलोकित होते थे, ठीक है। तो मार्टिमर व्हीलर कह रहे हैं कि आप सोचिए कि उनके जो लिखने का तरीका है वो कितना ही गजब का है कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के जो टीले हैं वो चाँद की रोशनी में अवलोकित हो रहे थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुँचा, यानी कि उसके समीप हम विश्राम गृह में पहुँचे और अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती थी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो स्थल बन गए थे वहाँ पर पर्दन की क्रियाएँ हो गई थी, तो वहाँ पर स्थल जो है समतल हो गए थे, वहाँ पर पेड़ पौधे नाम मात्र के थे, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में आप उधर जाएंगे तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगेगी, और गर्मी में आप देखेंगे कि अंग्रेज़ जो है वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी होने के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। तो उन्होंने कहने का प्रयास ये कह रहे हैं कि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, जब हड़प्पा स्थल तक पहुँचे तो वहाँ के टीले जो है चाँद की रोशनी में आलोकित कर रहे थे। जो वहाँ का उनके जिसके साथ गए थे उन्होंने कहा कि 5:30 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे तक हम लोगों को अपने कार्य ख़त्म करने चाहिए, नहीं तो वहाँ पर धूप ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर वो लोग फिर वहाँ बात करके खाना वाना खा के वहाँ पर सोने चले गए, और सोने जब जा रहे थे तो उन्होंने उस तरह का जो वातावरण का चित्रण किया है कि वहाँ पर सियारों की आवाज़ जो वातावरण को चीरते हुए लोगों को सुनाई दे रही थी। सियार आप लोग जानते हैं जिसको अंग्रेजी में जयकाल बोला जाता है। फिर अगली सुबह उन्होंने कहा कि अगली सुबह हम लोग 5:30 बजे एकदम अपने नवीन स्थल पर पहुँचे, और वहाँ पर मैं जब उस स्थल को देखा तो मेरी आँखें की जो है खुली की खुली रह गई। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी बड़ी जो सभ्यता है यहाँ पर विकसित देखने को मिली थी, इतने बड़े स्थल हैं, पूरा स्थल है, इतने बड़े जो नगर नियोजन की प्रणालियाँ देखने को मिल रही थी, वो इस तरह की सभ्यता एक नगर नियोजन की सभ्यता भारत में देखने को मिल रही है, जबकि वैदिक काल में जो ऋग्वेद ग्रंथ लिखे गए थे वो आपके ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरह के कयास अनुमान लगाए जा रहे थे कि जब व्हीलर ने इस तरह की चीज़ें देखी तो उसको एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि इस तरह से भारत में चीज़ें घटित हो रही थी। तो उन्होंने इस तरह से जब उत्खनन कार्य किया तो 5:30 बजे से 11:30 बज गए, वहाँ पर 12 बजने वाले थे। तो व्हीलर के जो जुनून था कार्य करने का, उसको देखकर जो उसके
जो साथ कार्य कर रहे थे वो लोग भी वहाँ पर लगे हुए थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मार्टिमर व्हीलर का, कि मैं उस सभ्यता को देखकर इतना आश्चर्यचकित हुआ था कि मैं अपने समय को भूलकर इतना एक जुनून से वहाँ पर कार्य करने लगा और इतना मन लगा मेरा वहाँ पर कार्य करने का कि जो चीज़ें कि उसको मैं बयां नहीं कर सकता। तो मार्टिमर व्हीलर जो है 1940 के दशक में इस प्रकार की बातें आपके हड़प्पा सभ्यता के बारे में कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि इस प्रकार सोचिए कि क्या भारतीय हड़प्पा सभ्यता में कि जो चीज़ें देखने को मिले थे, विद्वानों ने जिस प्रकार से उसका व्याख्या किया है, क्या वो वास्तव में वहाँ पर उस तरह से चीज़ें होंगी? अगर है तभी तो व्याख्या किया जा रहा है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि भारत की इतना प्राचीन काल से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ एक ध्यान दीजिएगा कि जब भारत के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम है, और सिंधु सभ्यता की जब खोज हुई थी उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष हैं वो आपके सर जॉन मार्शल हैं। तो यहाँ पर जो नई तकनीकें तथा प्रश्न हैं, तो वहाँ पर जो नई चीज़ें मिल रही थी जो आपके मन के बनाने के, फिर प्राक हड़प्पा सभ्यता से, नवीन हड़प्पा सभ्यता से, और फिर मध्य हड़प्पा सभ्यता से, जो हड़प्पा सभ्यता अपने 1800 से 1900 के शताब्दी में जो अपने विकास पर था, चरमोत्कर्ष पर था, वहाँ पर जो नई नई चीज़ें दिख रही थी उनको जो व्याख्या करने का वर्गीकरण की जो चीज़ें रही थी देखने को मिली थी वो भी एक प्रश्न बन गया था कि उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए, किस प्रकार से किस कैटेगरी में रखा जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो वही चीज़ें जो हैं कि जो मार्टिमर व्हीलर हैं वो उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं प्राचीन काल से यहाँ पर विद्यमान है और किस प्रकार से इनका विनाश हुआ होगा, किस प्रकार से लोग यहाँ से गए होंगे, किस प्रकार से चीज़ें जो है वो एक पहेली की तरह है और एक प्रश्न बना हुआ है कि इतनी विकसित सभ्यता जो यहाँ पर देखने को मिले उसके जितने अभी भी अधिकतर पहलू जो हैं वो अनसुलझे टाइप के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें देखने को बताया जा रहा है कि नई तकनीकी प्रश्न, जो नवीन हड़प्पा स्थल खोजे गए थे जिसमें राखीगढ़ी है, दामाबाद है, फिर उसके बाद लोथल है, फिर बनावली है, रोपड़ है, ठीक, कालीबंगा है, ये जो स्थल खोजे गए थे इनके जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर बनाए गए थे, जिस प्रकार से इसमें व्यवस्थाएं की गई थी, भौतिक संसाधनों की व्यवस्थाएं की गई थी, वो भी एक प्रश्न बन कर रह गया, एक अनसुलझे पहलू बन कर रह गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी विकसित सभ्यता और किस प्रकार से इन लोगों का मानसिक डेवलप था, फिर उसके बाद शारीरिक विकास था, उन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से चीज़ें की थी, ठीक है। हमने आपको अपने प्रारंभिक लेक्चर में ही बताया था जब हम लोग पूरा पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक बात किए थे, तुमने हमने आपको एक क्रमिक विकास बताया था, ठीक है। उसको एक बार हम फिर से समझाएंगे अभी क्रमिक विकास को लेकर, जो अब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा था। तो यहाँ पर अब एक किस तरह से देखिए कि जो चीज़ें देखने को मिल रही थी कि वो उन्होंने किस प्रकार से बनाई होंगी, तो ये जो प्रश्न है, अनसुलझे सवाल है, आज भी विद्वानों में बने हुए हैं, ठीक है। नई तकनीकें तथा प्रश्न में यही सारी बातें बताई जा रही थी, ठीक है। फिर 1980 के दशक में और भी चीज़ें जो विद्वान हैं यहाँ पर उन इसकी जो इसमें जो रुचि लेने लगे, उनका जो इंटरेस्ट है इसमें बढ़ने लगा कि और भी चीज़ों का खनन उत्खनन कार्य कराया जाए, और फिर उसके बाद धौलावीरा में जाता और धौलावीरा जब मिला, ठीक है, तो धौलावीरा जब मिला तो उनको इस तरह से आश्चर्य लगा कि धौलावीरा से जो चीज़ें देखने को मिली थी, वहाँ पर खेल के स्टेडियम मिले हैं, 3 प्रकार के दुर्ग मिले हैं, एक उन्नत जल निकासी मिली है, वहाँ पर दुर्गों के अंदर दुर्ग मिले हैं, दुर्गों के वहाँ पर 2 मंजिला मकान मिला है, वहाँ धौलावीरा से एक कुआं मिला है जिसमें नदी के अरे द्वीप का वो चीज़ जलने का साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर जो एक जिसको आप देखेंगे कि गांव में ताखा बोला जाता था, कि वहाँ पर एक छोटा सा बना दिया जाता था कि उसमें एक दीप जलाने के लिए दीवार में ही वहाँ पर बना दिया जाता था, ठीक है, स्थान दीप जलाने के लिए। तो एक धौलावीरा से एक कुआं मिला है, वहाँ पर दीप जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से जब धौलावीरा मिल गया तो इन लोगों का एकदम उस तरह से दिमाग ही उड़ गया कि ये क्या हम लोग देख लिए, ये क्या खोज हो गई। तो धौलावीरा का जो महत्व है भारतीय हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। एकदम मान के चलिए कि धौलावीरा वहाँ पर एकदम जो सोने पे सुहागा वाला कार्य किया था, ठीक है, गुजरात में जो धौलावीरा मिला, जिस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से वहाँ पर बनाए गए थे संसाधन, बनाए गए थे संसाधनों का उपयोग किया गया था, और जो कुआं मिला था वहाँ पर एक धार्मिक चीज़ देखने को मिला था कि दीप जलाए जा रहे थे, दीप जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे ऐसा माना जाता था कि धौलावीरा का जो कॉन्सेप्ट है या गुजरात में ही है, तो वहाँ पर ऐसा माना जाए, विद्वानों का अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर सिंधु जो सरस्वती नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी आती थी
कुआं भरता था और सरस्वती नदी को वहाँ पर पूजा करने के लिए वहाँ पर दीप जलाते जलाए जाते थे, आस्था के रूप में दाल जलाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी और विद्वान इससे कयास लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि इस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ इस तरह से लोगों ने अनुमान लगाया कि मान के चलिए कि जो धौलावीरा है वो है आपका नवीन, एकदम प्राचीन नवीन हड़प्पा स्थल है। और नवीन हड़प्पा स्थल से देखेंगे कि उसके ठीक बाद ही वैदिक काल शुरू होता है और वैदिक काल में सरस्वती नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और इसी आधार पर कयास लगाए गए, अनुमान लगाए गए कि जो धौलावीरा में कुआं मिला है वहाँ पर सरस्वती नदी आती थी और वहाँ पर सरस्वती नदी का जल भरता था, वहाँ पर लोग उसका उपयोग करते थे क्योंकि सरस्वती नदी आप देखेंगे कि मानसूनी नदी है, तो मानसून के दिन में वहाँ पर बारिश होता था तो सरस्वती नदी वहाँ पर जल आता था, जब जल खत्म हो जाता था वहाँ पर लोग दीप जलाते थे सरस्वती नदी के याद में या उसके उनके देवी के रूप में पूजने के लिए कि वहाँ पर सरस्वती देवी जल को खाली कभी ना करें। तो इस प्रकार की चीज़ें धौलावीरा में देखने को मिला था। तो सोचिए कि धौलावीरा का महत्व कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो जो नवीन प्रश्न बने, नवीन तकनीकी प्रश्न बन रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके विद्वानों में वो एकदम आश्चर्यचकित करने वाले थे। अब हम बात करते हैं कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, ये आप लोगों का ये जो है हेडिंग जो है आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और यहाँ पर इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो का आखिरी हेडिंग हड़प्पा सभ्यता का अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं और इसके जो सब हेडिंग है खोजो कवरीकरण और व्याख्या की समस्याएं। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है तभी आप लोग एक अच्छी आंसर रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी आंसर का अगर अच्छा लिखना है तो उसको प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिए, उस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही थी और क्या क्या समस्याएं हो रही थी और किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कि हम एक बार आप लोगों को चीज़ पहले हम लोगों को जो चित्र हैं वो सारे चीज़ें दो चित्र हैं उसको हम लोगों को एक बार दिखा देते हैं, समझा देते हैं वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये आपकी ये क्या है, ये एक मातृदेवी की मूर्ति है, इसको मातृदेवी माना गया है। ठीक है, इसको आप चित्र को समझने का प्रयास कीजिए कि आपको ये मातृदेवी के रूप में देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए इसका इनका मुकुट भी है, इस प्रकार से यहाँ पर आभूषण भी देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से वस्त्र भी देखिए यहाँ से मिल रहे हैं और ये किस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक खंडित स्त्री है कि स्त्री का चित्र है, यहाँ पर देखिए हाथ किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से सोचिए कि क्या ये आपकी मातृदेवी देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए ये एक मुहर प्राप्त किया गया था, जो ये मुहर है आद्य शिव की मुहर, इसको बोला गया कि आद्य शिव की एक मुहर है। आप लोग एनसीईआरटी की पुस्तक रखे रहिए, उसको पढ़ते रहिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम एक्सप्लेन सारी चीज़ कर देंगे, बाकी पढ़ना आप ही लोगों का है, आप ही लोगों को है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना उस चीज़ को तो वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं बहुत ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी। फैक्ट याद करने वाली चीज़ें होती हैं, फैक्ट को आप जितना दिमाग में रखेंगे वो चीज़ें, लेकिन आप हम आपको एक कहानी सुनाते रहेंगे, कहानी की तरह दादा दादी नाना नानी की कहानी हम सुनाते रहेंगे आप लोगों को। वो चीज़ें आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए और उसको आप लोग एकदम समझते करने का प्रयास कीजिए कि जब आप एक लाइन पढ़ेंगे वहाँ पर कोई भी चैप्टर का, कोई भी अगर आप हड़प्पा सभ्यता भी आप लोग जो पूरा अगर तीन चार लेक्चर हो जाए, चार लेक्चर, तो वहाँ पर आप अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार लेक्चर तीन लेक्चर लगभग में तीन चार लेक्चर होंगे तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता अगर वो चार लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो समझने का कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों को कभी भी वहाँ पर भूलेंगे नहीं। सिर्फ हम आपको एक डेवलप कर रहे हैं कि सोचने विचारने की जो क्षमता है वो आप लोग विकास कर लें। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी ये मातृदेवी की मूर्ति देखने को लग रही है। ठीक है, ये व्याख्या करने की समस्याएं हैं, खोजों को वर्गीकरण और व्याख्या की समस्याएं हैं। और फिर ये आपकी आद्य शिव की मूर्ति है, यहाँ पर देखिए ये आपका सिंह है, मुकुट देखिए कितना बड़ा मुकुट है। ठीक है, आद्य शिव के जो विद्वानों ने अनुमान लगाया था, और यहाँ पर देखिए एक योगी की भेष में खंडित है, यहाँ पर देखिए टूटा हुआ है तो खंडित है, यहाँ पर एक हाथ है, यहाँ पालथी मारे हुए योगी की भेष में यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया। हाथ में देखिए यहाँ तक आप लोगों के आभूषण देखने को मिल रहे हैं, जो कंगन चूड़ी टाइप के या वस्त्र भी हो सकते हैं, कढ़ाई वाले वस्त्र। यहाँ पर जो ये चीज़ें देखिए कि यहाँ पर जो वस्त्र बनाए गए हैं किस प्रकार से देखने को मिले, और इसी प्रकार के वस्त्र आप देखेंगे कि भारतीय में जो देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट बनाया गया था तो इसी प्रकार के मालाओं का भी उन लोगों को प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मुकुट बनाया गया, फिर इसके बाद जानवरों के चारों तरफ जानवर मिले गए, और यहाँ पर जो स्थल देखने को मिला था, जब यहाँ देखिए जो चिन्ह देखने को मिले, पांच छह प्रकार के चिन्ह भी देखने को मिले थे, तो इसको आद्य शिव माना गया। लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं हम आपको अभी बताएंगे, जो आद्य शिव है यहाँ पर आप एक बार चित्र समझने का प्रयास कीजिए कि यह क्या जो मातृदेवी है वो मूर्ति देखने को मिल रही है, फिर ये आद्य शिव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो विद्वानों का अनुमान है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका मिट्टी का खिलौना है,
ठीक। तो मिट्टी का खिलौना, इसको आप एक बार सोच कर देखिए कि ये मिट्टी का खिलौना किस प्रकार से, किस आकार में दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो मिट्टी का खिलौना किस आकार में दिख रहा है, कि यहाँ पे देखिए कि एक किस प्रकार से इसको घोड़ा माने कि बैल माने, समझ में नहीं आ रहा है। कुबड़ वाला साड़ ही मानते हैं, देखिए कि यहाँ पे कुबड़ बनाया गया, लेकिन यहाँ पे कुबड़ नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इसको हम कुबड़ वाला साड़ ही मान लेते हैं, बैल मान लेते हैं। तो यहाँ पर बैल है, तो यानी कि हम ये जो बैठा हुआ है चैरियट, इसको जो बोला जाता है एक्का गाड़ी की तरफ बोला जाता है, तो यहाँ पर बैलगाड़ी इसको हम मान सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो समाज में इस प्रकार से खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो समाज में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तभी तो खिलौना बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जब तक इंसान कोई चीज़ देखेगा नहीं, कल्पना नहीं करेगा, तो उसको बनाएगा भी नहीं। अगर ये खिलौना बनाए तो ये बड़े आकार में भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार समाज में देखिए कि ये किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा होगा, क्या यहाँ पर लोग इसका प्रयोग घूमने फिरने के लिए कर रहे थे, या व्यापार करने के लिए कर रहे थे, या फिर यहाँ पर जो सामान ढोने के लिए कर रहे थे, या जो बैल का, इस प्रकार से सोचिए कि देखिए कि यहाँ पर एक हल जैसा बना दिया गया होगा, कि यह खेत जोतने के लिए काम कर रहे होंगे, यहाँ पर सवारी ढोने के लिए काम किया कर रहे होंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएँ हैं यहाँ पर, कि वो चीज़ें पता नहीं चली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सोचिए कि एक बार अनुमान लगाने का, आप लोग भी अनुमान लगाइए कि ये किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर इसका प्रयोग होते हुए देखा जाएगा। आप एक इस चित्र को देखिए, यहाँ पर जो मैप दिया गया है, ये वाला जो चित्र है, ये जो चीज़ें, ये चार प्रकार की जो चीज़ें बनाई गई हैं, आप इसको एक बार सोच के देखिए, क्या ये शिवलिंग की तरह देखने को मिल रहा है? लेकिन विद्वानों ने इसको शिवलिंग माना है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह देखिए, ये इतने छोटे आकार में है, इसके जो शंक्वाकार है, मान लीजिए कि ये शंक्वाकार है, इसको इन्होंने शिवलिंग से जोड़ने का प्रयास किया है, कि उस समय जो आदिशिव की चीज़ें मिल रही थी, आदिशिव भी थे, शिवलिंग भी था, ठीक है। तो लेकिन हम उसका जो जो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे, वहाँ पर वो डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ें जो व्याख्या करने की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप सोच कर देखिए कि यह शिवलिंग की तरह देख रहा है, या मन की, हमने आप लोगों को पिछले चीज़ें में जो दिखाया था, जो चित्र दिखाया था, क्या उस तरह से मन के की तरह ये दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस बार सोचिए, क्या ये भी तो आपका शिवलिंग की तरह दिख रहा है, ये भी तो आपका शंक्वाकार है, ये भी तो आपका शंक्वाकार है, क्या इसको भी हम शिवलिंग मान लें, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग जो किया गया है, उसमें एक अंदर छिद्र है उसका, जो किसी भी प्रकार से छेद किया होगा, औजारों से किया गया होगा, तो उसको माला बनाने का, आभूषण बनाने का कार्य किया गया। तो क्या इसी प्रकार से इसको भी इसमें क्या जो अवशेष मिल गए होंगे, इसमें छेद नहीं किया गया होगा, छेद करने का प्रयास किया होगा या नहीं हुआ होगा, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो वो व्याख्या करने की जो समस्याएं वहाँ पर मिल रही हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह सोचिए कि विद्वान वहाँ पर कितने कन्फ्यूजन में हैं, कि जो वस्तुएं मिली हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के चित्र हैं, ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसको विद्वानों ने शिवलिंग की संज्ञा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरह से हम अभी शिव के बारे में बताएंगे, जो वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है। अगर खोजों के वर्गीकरण के बारे में बात करें, तो खोजों के वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। खोजों के वर्गीकरण में पहला प्रकार जो है, जो वस्त्र हमको प्राप्त हुए, ठीक है, जो पूरा अवशेष है वो हमको प्राप्त हुए, किस रूप में प्राप्त हुए, और दूसरी जो चीज़ है, उस पूरा अवशेष का किस प्रकार से प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो अस्थि, जो पूरा अवशेष जो प्राप्त हुए है, उत्खनन कार्य जो पूरा चीज़ें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें है आपका पत्थर है, मिट्टी के है, पत्थर के जो नक्काशी है वो भी चीज़ें है, पत्थर के जो बनाए गए थे मूर्ति वूर्ति वो भी है, फिर मिट्टी की मूर्ति है, धातु है, अस्थि है, हाथी दांत हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो जो अवशेष मिले हैं उनके, उनका जो बनाया गया है वो किस प्रकार से बनाया गया है, तो उनका एक वर्गीकरण किया गया, और फिर उनका जो बनाया गया कुछ चीज़ें इस प्रकार छिन्न भिन्न प्रकार की मिली हैं, या कुछ इस तरह से मिल गया कि मन के प्रकार के छोटे आकार के भी हमने बताया, दो चीज़ें आप लोगों को दिखाई जो आभूषण बनाने वाले हैं, जिसको शिवलिंग दिया गया, तो उस तरह की चीज़ें अगर मिल गई, तो उसमें भी थोड़ा वर्गीकरण करने का जो समस्या आ गई, कि सबसे ज़्यादा वर्गीकरण की जो जटिल समस्याएं उसी में थी, जिसमें कि उसका जो मानना था कि उसका उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, सबसे जटिल समस्या है कि उसका प्रयोग किस लिए किया गया, ठीक है। यही जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं देखने को मिल रही थी, कि जो खोज है, जो खोज किए गए, नवीन स्थल खोज किए गए, और उनमें से जो प्रश्न बनते चले गए कि किस चीज़ का प्रयोग कहाँ किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, वही जो चीज़ें हैं उनका वर्गीकरण करना बहुत ही जटिल समस्या बन गई थी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई कि खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सके, वही समस्याएं देखने को मिला था। फिर जो वर्गीकरण किया गया खोजों का, उसका व्याख्या करने की समस्याएं किस प्रकार से थी, क्योंकि जहाँ पर जो वहाँ पर प्रयोग किया गया तो वो असामान्य है, परिचित है,
इस बात धार्मिक महत्व के हैं कि किस प्रकार से हैं वहाँ पर, की चीज़ें देखने को मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रसाद मिले गए हैं उसको पुरोहित राजा भी मान सकते हैं, वो धनाढ्य व्यापारी के भी मान सकते हैं, फिर उसको व्यापारी वर्ग को मान सकते हैं, धनी लोगों का भी मान सकते हैं, या उच्च वर्ग के समाज में जो लोग रहते थे उनका भी मान सकते हैं। तो वहाँ पर वो समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि हम उसका व्याख्या किस प्रकार से करें। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो जलाशय मिले हैं, धौलावीरा से जलाशय मिला है, फिर मोहनजोदड़ो से जलाशय मिला है, और हर घर में कुएं मिले हैं। तो वो लोग जो धौलावीरा से जो कुआं मिला उसके बारे में हमने व्याख्या किया उसका। तो जो कुएं मिले हैं कि आज जो धौलावीरा में कुओं का प्रयोग किया जा रहा था उसी प्रकार से अन्य कुओं का भी प्रयोग किया जा रहा था, उसमें भी दीप जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो उस प्रकार से चीज़ें जो देखने को मिले थे उसका व्याख्या करने का जो समस्या उत्पन्न हुई वो बहुत ही जटिल हो रही थी। तो उसमें एक अनुमान लगाया गया कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वर्तमान में जिस तरह से विकास हुआ उसके आधार पर व्याख्या किया जाए, ठीक है। तो ऐसा विद्वानों का मानना था कि जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, आरंभिक अवस्थाएं हैं, उनका जो जुड़ाव है नवीन स्थलों में देखने को मिला था, ठीक है। तो प्रारंभ का जो इस तरह से मान चलते हैं कि प्राचीन का आधुनिक में जुड़ाव देखने को मिलेगा, इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राचीन सभ्यता थी और जो नवीन स्थल जब अपने जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तो वहाँ पर जो समानताएं देखने को मिली थी वो किस प्रकार से थी, तो कि वहाँ पर जो व्याख्या किया जाए वो किस प्रकार से किया जाए। और अभी आप इसकी मूर्ति देखिए, क्या ये आपको मातृदेवी की मूर्ति देखने को मिले थे, लेकिन मातृदेवी वहाँ पर धरती माता को बोला जाता है, धरती को उर्वरा की देवी माना गया, उनको मातृदेवी की संकल्पना वहीं से निकल कर आ रही थी। और एक वहाँ पर मुहर मिला है, मान के चलिए कि वहाँ पर एक मुहर मिला है इस तरह से, तो मुहर में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक स्त्री लेटी हुई है और उसके गर्भ से पौधे निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकल रहा है और वहाँ पर जो जिस प्रकार से वो मिट्टी के मुहर पर बनाया गया था, तो उसका एक अनुमान लगाया गया विद्वानों के द्वारा कि जो मिट्टी के से बनाया गया है वहाँ पर उसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मिट्टी से पौधे निकल रहे हैं, जो फसल उत्पादन हो रहा है, उत्पादन चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो उसका जो है उसको एक देवी के रूप में संकलित किया गया। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि क्या ये आपको देवी के रूप में देखने को मिल रहा है, कि इनकी जो व्याख्या किया जाए क्या इसको मात्र देवी के रूप में देखने को मिल रहा है। तो आप बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि स्त्रियों की मृड़ मूर्तियाँ वहाँ पर देखने को मिले हैं, और ज़्यादातर कुंवारी स्त्रियों की मृड़ मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुंवारी स्त्रियों के मृड़ मूर्तियाँ जो है मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचने का प्रयास है कि या वहाँ पर स्त्री पूजा था, या वो मात्र सत्तात्मक समाज था इसलिए वहाँ पर मिल गया, या और जो देवी देवता देवियों का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, ठीक है, मातृ देवी का कॉन्सेप्ट निकल गया, जो क्योंकि जो फसल उत्पादन है, धरती से उत्पादन है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि व्यापार भी हो रहा था, वाणिज्य भी हो रहा था, और शिल्प उत्पादन भी वहाँ पर मिट्टियों से देखने को मिल रहा था। फिर वहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई वो मिट्टियों के आधार पर विकसित हुई, कि कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, और वहाँ पर अधिशेष जो बच रहे थे, सरप्लस जो बच रहे थे वो भी आपके भूमियों से ही देखने को मिल रहा था। इस तरह के बहुत बड़े पैमाने पर भूमियों का जो महत्व है सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल रहा था। तो यहीं पर वो सोचने का विद्वानों ने अनुमान लगाया कि जो मिट्टियों का महत्व है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो जो मिट्टियों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो स्त्रियों की मूर्तियाँ, क्या उसे मातृदेवी माना जा सकता है। अब इसी को मूर्ति को देखिए, आद्य शिव के बारे में अगर हम बात करें, तो जो मुहर मिली थी आद्य शिव की, तो उसके चारों तरफ जो जानवरों के चित्र बनाए गए थे, तो जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया शिव का, आपको वैदिक काल में कॉन्सेप्ट निकल कर आया शिव का, ऋग वैदिक काल में जो कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, वो रुद्र के रूप में है, ठीक है, रुद्र के रूप में है। और रुद्र का यहाँ पर अब योगिक से कोई संबंध नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक बात समझ के देखिए कि रुद्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध और गुस्सा, ठीक। और फिर इसके बाद जो शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, शंकर ब्रह्मा विष्णु, अरे ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट निकल कर है वो काफ़ी बाद का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को देखिए कि शिव का जो वैदिक काल में रूप देखने को मिला है वो रुद्र के रूप में देखने को मिला है, अब कालांतर में ये पशुपत हो गए, ठीक है, इनको कहा गया पशुपत, पशुओं का स्वामी, ठीक है, शिव को ही पशुओं का स्वामी बोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ के देखिए कि जो अगर धार्मिक, हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों का, जो कि जो धार्मिक चीज़ को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही हैं, ठीक है। हम आद्य शिव के बारे में बात करें तो जो वैदिक काल की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर हम वैदिक काल लिख दे रहे हैं,
ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बाद का है, ठीक है। त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बाद का है, इस तरह से आप लोग सोच कर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आदिशिव इसको बोला गया, आदिशिव की मुहर एक बोला गया था, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आदिशिव बैठे हैं वो आपके योगी में, योगी की अवस्था में बैठे हैं, एक ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। यानी कि ध्यान जो है, आप जो धारावाहिक सीरियलों में दिखाया गया है कि जो शिव हैं वो शांत स्वभाव के हैं, उसमें दिखाया गया, लेकिन जो वैदिक काल में शिव हैं वो रुद्र रूप में हैं, यानी कि क्रोध के देवता, गुस्सा के देवता जो रुद्र रूप है वो शिव का माना गया है। तो जो वहाँ पर शिव का रुद्र रूप है, क्या वो सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर से मेल खा रहा है? नहीं खा रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं पशुपत का जो कॉन्सेप्ट निकल कर रहा है बाद में, ठीक है, पशुपत का जो कॉन्सेप्ट निकल कर रहा है, पशुओं का स्वामी का जो कॉन्सेप्ट निकल कर रहा है, यहाँ पर चारों तरफ जो पशु बनाए गए हैं उससे ये थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आदि शिव का जो मुहर मिला था वो वैदिक काल के शिव से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जो क्या मुहर मिली, क्या वो भी आपका, उसको आप मान सकते हैं, क्या वहाँ पर धार्मिक चीज़ें उस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पूजा स्थल में बहुत नाम मात्र मिला है, धार्मिक अनुष्ठान के जो प्रयोग हैं वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पूजा स्थल है मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, वहाँ पर जो धार्मिक क्रियाएँ हैं बहुत ज़्यादा रूप में देखने को नहीं मिल रहा है। मोहनजोदड़ो से बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक अनुष्ठान की चीज़ें सिर्फ अनुमान के आधार पर लगाया जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से समस्याएं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप लोग इस तरह से सोचिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए कि क्या ये आप शिवलिंग मान सकते हैं? ये छोटे छोटे जो मनके बनाने के चीज़ें देखने को मिला था छोटे छोटे, तो वो शंखाकार चीज़ों को उन्होंने शिवलिंग के रूप में माना। अगर शिवलिंग के रूप में अगर इसको मान रहे हैं तो अभी सोच के देखिए कि शिवलिंग का कॉन्सेप्ट ही भारत में बहुत ही ज़्यादा बात का है। ये शिवलिंग का कॉन्सेप्ट जो आप देखेंगे कि ये नयनारों का है, ठीक है। नयनार का जो नयनार संत थे दक्षिण भारत में, अलवार और नयनार संत थे, नयनारों का 63 शाखाएं हैं और अलवारों के 12-13 शाखाएं हैं। तो नयनारों में एक कपालिक शाखा देखने को मिल रहा था, वो हड्डियों की पूजा कर रहे थे, और नयनारों में ही एक ही शाखा, एक शंखा जो देखने को मिला, वो पशुपत का शाखा देखने को मिला शिव के, वो भी मिला। और फिर शिवलिंग पूजा का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, नयनारों से इस कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, ठीक है। तो आप इस तरह से सोचिए कि नयनारों ने जिस तरह से कॉन्सेप्ट शिवलिंग का दिया था, क्या वो ये शिवलिंग उस पर मेल खा रहा है? तो इस यहाँ पर ये समस्याएं बनी हुई हैं, आज भी बनी हुई हैं, प्रश्न बने हुए हैं कि क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें देखने को मिली थी, क्या उसका व्याख्या सही तरीके से किया जा गया है, कि उनका उपयोग के आधार पर किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो एक बॉक्स दिया गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिया गया है शमन किसको बोला जाता था, शमन, ठीक है। यहाँ पर या जो ये जो चीज़ है ना, आदिशिव को देखिए, ये जो चीज़ है इसको शिव से कॉन्सेप्ट यहाँ पर करने का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो खंडन किया जा रहा था उसको कहाँ जोड़ा गया, समन में जोड़ा गया। समन में हम आद्य शिव को जोड़ सकते हैं, जो आद्य शिव जो है वहाँ पर जो मूर्ति जो मुहर मिल रहे हैं, आद्य शिव को हम लोग समन में जोड़ सकते हैं। ये देखिए, हम सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पर किसी के धार्मिक भावना को हम ठेस नहीं पहुँचा रहे, ये NCERT में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, या शिव को हम खंडित नहीं करें, हम सिर्फ आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की जो चीज़ें देखने को मिली थी उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो आद्य शिव की चीज़ें जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो वैदिक शिव से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी भिन्न में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या है कि क्या वहाँ पर जो समन है, समनों का उल्लेख वहाँ पर देखने को मिला था, समन जो है, ये जो समन है यहाँ पर, ये लोग जो हैं ये आपके ज्योतिष विद्या में बहुत ही निपुण थे, ठीक, ज्योतिष विद्या, और ज्योतिष विद्या बहुत ही प्रकार की होती है। तो ज्योतिष विद्या यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि समन वे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के समर्थ का दावा करते थे। यानी कि वहाँ पर जो अंधविश्वास है, जो पुनर्जन्म की चीज़ें देखने को मिल रही थी, उन सभी चीज़ों को जो व्याख्या करने वाले थे, जो उन सभी चीज़ों को बताने वाले थे, उनको समन बोला गया। वो महिला और पुरुष कुछ भी हो सकता था, और वो इसी समन से अब देखेंगे कि आद्य शिव को मानने का प्रयत्न किया गया है विद्वानों के द्वारा। यहाँ पर भारतीय विद्वान भी है और जो विदेशी विद्वान है वो दोनों हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर बताया गया कि जो आद्य शिव का मुहर मिला है, क्या वो समन से जोड़ा जा सकता है? कि समन जो थे जादू टोना करते थे,
जो दूसरी दुनिया से संपर्क साधते थे और जो दूसरी दुनिया में संपर्क साधते थे फिर इलाज करते थे, तो जो इलाज करते थे जादुई टोना के, जादू टोना का तंत्र विद्या मान के चलिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ताबीज़ के भी साक्ष्य मिले हैं और पुनर्जन्म की चीज़ें देखने को मिले थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सावधान हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं युग्म समाधियाँ हैं, जो मर गया उसके साथ उसके प्रिय वस्तुओं को दफनाने का भी जो साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें देखने को मिला था, तो वहाँ पर वो चीज़ जो देखने को मिला तो वहाँ पर सावधान के साथ उस चीज़ को बताया गया, तभी तो वो दफनाया गया था वहाँ पर कि इनकी चीज़ों को उसके साथ दफना दीजिए, तो क्या पता ये अपने पुनर्जन्म जो अगला जन्म होगा वहाँ पर प्रयोग कर रहे होंगे। तो इस तरह का अंधविश्वास भी वहाँ पर देखने को मिला था। आप लोग इसको अंधविश्वास मानिए, चाहे कोई भी अपने तर्क पर खंडित करिए, वो आप लोगों के ऊपर है। हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, ठीक है, विद्वान क्या कह रहे थे। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी, बहुत सारी चीज़ें बता दी, तो हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता से आप लोगों का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिर्फ फैक्ट बचे हैं, तो फैक्ट आप लोग उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और सिंधु घाटी सभ्यता से फैक्ट बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जितने भी हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताए हैं वो सिर्फ आप लोगों को एक मानसिक विकास या सोचने समझने के विकास की चीज़ें हैं, उसके लिए हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, और वो अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा निर्देशन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए, ठीक है। तो हमने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हर एक चीज़ बता दिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से डेवलप हुए, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से अनुमान लगाए, किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी, और वहाँ पर हमने ये भी सारी बातें की कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से वहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाएँ चलने था, ठीक है। हमने बहुत सारे विद्वानों का वहाँ पर उद्घरण लिया, उद्घृत चीज़ें लिया, स्टेटमेंट के रूप में प्रयोग किया, उनके जो चीज़ें उन्होंने लिखा बताया, तो हमने हर एक चीज़ को पहलुओं के बारे में बात किया, और एक प्रकार से सोचने समझने का क्षमता का विकास करने का प्रयत्न किया कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस प्रकार की चीज़ें हम लोग जो देख रहे थे वो क्या वास्तव में उस तरह से चीज़ें हुई हैं और उनको हम किस प्रकार से लेकर चल रहे हैं। व्याख्या करने की समस्याएं जो आ रही थी वो हमने बताया, जो खोज हुए वो किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए उसका बताया, हमने नगर नियोजन बताया, हर एक चीज़ के बारे में हमने सिंधु घाटी के बारे में सब लोगों को समझाया है, ठीक है। तो आप लोग पुस्तक पढ़िए, जब लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर सुनकर पुस्तक पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही चीज़ें जो है आप लोगों को ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी, ठीक है। आप लोगों को पूरी पुस्तक एक लाइन पढ़ेंगे 10 लाइन समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, और आज आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, और आगे हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो जो लोग नया चैनल पर वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जल्द से जल्द जुड़ जाए, क्योंकि इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर हम लोग लेकर चल रहे हैं, और जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग वो भी बहुत एक बेहतरीन तरीके का है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आप लोग लेक्चर सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन, अच्छे दिशा निर्देशन में लेकर चलिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, और अपने माता पिता अपने घर वालों का ख्याल अच्छे से कर रहे रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।